हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में एक नई स्टोरी है, शॉर्ट सीरीज की स्टोरी जो चल रही है उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दी थ्री ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन मतलब होता है व्यापारी। तीन व्यापारी के बीच की स्टोरी है, तो देखिए क्या स्टोरी है, देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब क्या होता है, एक समय की बात है। थ्री ट्रेड्समैन लिव्ड इन ए सिटी, तीन व्यापारी एक शहर में रहते थे। पास्ट में है, लिव का लिव्ड होता है तो पास्ट में रहते थे। वन डे, एक दिन, द सोल्जर्स वर प्रिपेयरिंग फॉर एन इम्पेंडिंग अटैक ऑन द सिटी फ्रॉम अ नेबरिंग स्टेट। एक दिन जो था, सोल्जर्स मतलब सैनिक, वर प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी कर रहे थे किस चीज के लिए, एक अचानक सा अटैक होगा। इम्पेंडिंग मतलब होता है भविष्य में होने वाला, निकट भविष्य में होने वाला, तो निकट भविष्य में होने वाला अटैक किस पर, शहर पर, उसी के लिए क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और ये अटैक कहाँ से होता, तो फ्रॉम ए नेबरिंग स्टेट, बगल वाले स्टेट से, जो राज्य था, जो देश था, यहाँ देश की हम लोग जिक्र करेंगे, तो बगल वाले देश से जो अटैक होने वाला था उसी का प्रिपरेशन सोल्जर्स तैयारी कर रहे थे। The three traders were worried and started planning on how to defend their city. अब तीनों जो व्यापारी थे वो क्या करने लगे, चिंतित थे, worried मतलब होता है चिंतित, तो चिंतित थे। And started planning, और शुरू कर दिया योजना बनाना, क्या, on किस चीज पर, on how to defend their city, कि अपने शहर को कैसे बचाया जाए, इस पर उन्होंने अपना प्लानिंग करना शुरू कर दिया। अब देखिए क्या क्या होता है। वन ऑफ देम, उनमें से एक, माने तीन के लिए यहां पर आया है देम, तो तीन में से एक ने बोला, वन ऑफ देम का मतलब यह हुआ, हु वाज अ डीलर ऑफ ब्रिक्स, और इसी के लिए कराया कि वो क्या था, जो ब्रिक्स का बिजनेस करता था, ठीक है, ब्रिक्स मतलब ईट का बिजनेस करता था वो। उसने कहा, क्या कहा, फ्रेंड्स, मित्र, दोस्तों, अपने फ्रेंड्स जो दोनों थे उससे बोला, ब्रिक्स आर द बेस्ट वे टू फोर्टिफाई अ सिटी, ईंटे जो है वो सबसे अच्छी तरीका है, क्या करना है, फोर्टिफाई मतलब होता है किला की तरह बना देना, एक सिटी को किला बना देने में वही सबसे अच्छा तरीका है, ब्रिक्स का यूज करके ही हम लोग फोर्टिफाई कर सकते हैं, मतलब किले में तब्दील कर सकते हैं एक शहर को। इवन, यहां तक कि ये आ रहा है, कैनन बॉल्स, जो तोप की जो गेंदे होती है, जो बॉल होता है, कैनॉट पेंट्रेट द रेसिस्टेंस पुट अप बाय अ स्ट्रॉन्ग ब्रिक वॉल। कैनन बॉल्स, जो तोप की गोले होती हैं, वो भी पेंट्रेट मतलब होता है किसी छेद में छेद कर देना, वो भी छेद नहीं कर सकती है उस रेसिस्टेंस को, मतलब उस प्रतिरोध को, मतलब वो जो मजबूती है उसको। और वो मजबूती किसके द्वारा रखा जाएगा, पुट अप बाय, जिसको रखा जाएगा, जिस मजबूती को रखा जाएगा किसके द्वारा, द स्ट्रॉन्ग ब्रिक वॉल, जो ईट का मजबूत दीवार है उसके द्वारा, जो रेसिस्टेंस मतलब जो मजबूती रखा जाएगा उसको कैनन बॉल्स भी छेद नहीं कर सकता है। ये कहना था एक ट्रेड्समैन, तीन में से एक ट्रेड्समैन का, जो ब्रिक्स का ही ट्रेड करता था, वो अपने ट्रेड को लेकर इस बात को बोला। अब दूसरे देखते हैं, अनदर ट्रेड्समैन, दूसरा जो ट्रेड्समैन था, व्यापारी था, जो क्या था, उसका प्रोफेशन बता रहा है, हु वाज अ डीलर ऑफ वुड, जो लकड़ियों का व्यापार करता था, सजेस्ट किया, सलाह दिया, क्या, दैट टिम्बर वाज द बेस्ट सॉल्यूशन, कि टिम्बर जो है, लकड़ी को, जो बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं उनको टिम्बर बोला जाता है, कि टिम्बर जो है सबसे अच्छा सॉल्यूशन है किस चीज के लिए, मतलब डिफेंड करने के लिए अपने स्टेट को। आगे आते हैं, दी थर्ड ट्रेड्समैन, जो तीसरा व्यापारी था, उसने कहा, हु सोल्ड लेदर, जो लेदर मतलब जो चमड़े का व्यापार करता था या जो चमड़ा बेचता था, कहा, फ्रेंड्स, ऑल सेड एंड डन, सभी बात, ऑल सेड एंड डन का मतलब होता है कि सभी चीज को ध्यान में रखते हुए, आई मस्ट से, मैं अवश्य ही कहना चाहूंगा, क्या, कि देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, टू डिफेंड ए सिटी लाइक लेदर, जिसको, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है
डिफेंड करने लायक, माने जो लेदर का सिटी हो उससे अच्छा किसी को डिफेंड किया ही नहीं जा सकता। इसका कहने का सेंस ये था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है उतना अच्छा जितना अच्छा डिफेंड करना है, मतलब बचा कर रखना जितना आसान है सिटी जो लेदर से बना हुआ है उस शहर को बचा कर रखना सबसे आसान है। इसका कहने का सेंस ये था। तो अब यहाँ पर देखते हैं एवरी मैन फॉर हिज स्टेट। अब इसमें कहानी से क्या सीख मिला कि हर आदमी जो था यहाँ पर जिस क्षेत्र में वो ट्रेड करता था जिस क्षेत्र में व्यापार करता था उसी का लेके अपनी बड़ाई किया कि जो चमड़े का था तो चमड़े के रूप में लेकर शहर को डिफेंड कर सकते हैं उसका बड़ाई किया, जो ब्रिक्स वाला था वो ब्रिक को लेकर किया, और जो टिम्बर वाला था जो वुड वाला था वो टिम्बर को लेकर किया। तो हर का अपना अपना सोचने का तरीका था। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हु हैज़ ए ट्रेड मे गो एनीवेयर। अब कह रहा है कि जो जिसके पास व्यापार है वो कहीं भी जा सकता है, आप उसको किसी पर चीज में बांध नहीं सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकता है, माने इलॉजिकल, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा। तो यही आज की स्टोरी थी, आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।